हाँ हटा दिया, गायब, आवश्यकता ही नहीं उसमें, ठीक है भैया। ओए ध्यान दीजिए भैया, सॉलिड्स, ठीक है भैया। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे भैया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड क्या होता है भैया? तो सॉलिड क्या होता है भैया? जिसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है भैया? बहुत ज्यादा होता है, ठीक है भैया। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं भैया? सॉलिड कहते हैं, ठीक है भैया, ठीक है भैया। और सॉलिड क्या, मॉलिक्यूल के अंदर मोशन नहीं होती ऐसा तो नहीं कह सकते, बट वो अपनी पोजीशन पर, जो कि क्या कहलाती है भैया? मीन पोजीशन पर, वहीं पर वाइब्रेट कर देते हैं, और जहां पर वो होते हैं, जो उनकी मीन पोजीशन कहलाती है, वहां पर उनके पास क्या होती है? मिनिमम एनर्जी होती है। क्या होती है भैया? कहीं और जाएंगे तो एनर्जी क्या होती है? उनकी बढ़ जाती है, फिर दोबारा से वो उसी एनर्जी पर लौट आती है, इसलिए वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है भैया, लगातार। क्योंकि आपको पता है आपके आसपास क्या होता है? टेम्परेचर है, हीट है, तो हीट क्या करती है? मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर देती है, और एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ आपको पता है जब किसी मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके पास एक एनर्जी आती है जिसे थर्मल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और उसी एनर्जी की वजह से क्या होता है भैया? वाइब्रेशन चालू हो जाती है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ के बात करते हैं, ठीक है। तो अब टॉपिक बताते रहे जल्दी से, मेरे को फटाफट टॉपिक बता। इलास्टिसिटी भैया ध्यान दीजिए भैया, कुछ प्रॉपर्टीज है सॉलिड की जो आपको याद रखनी है। जैसे भैया इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होता है भैया? अगर आप इलास्टिसिटी से पहले के टॉपिक की बात कर रहा हूँ, डिफॉर्मेशन क्या कहते हैं? जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी अपनी शेप और साइज को क्या करती है भैया? चेंज कर देती है। क्योंकि आप फोर्स लगा के उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, वर्क करोगे तो एनर्जी आएगी उसके अंदर, और एनर्जी आने से क्या होता है? मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाते हैं, ठीक है, डिसलोकेट हो जाते हैं, मतलब अलग हट जाते हैं, ठीक है भैया। तो इसे हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं भैया? हमने बॉडी की फोर्स लगा के बॉडी की शेप और साइज को क्या किया भैया? चेंज किया। लेकिन आपको पता है भैया मॉलिक्यूल क्या हो गए थे? अनस्टेबल हो गए थे। क्या हो गए थे? अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वापस आ जाएंगे भैया मीन पोजीशन, वैसा ही खुद को कर लेंगे जैसा वो पहले थे फोर्स लगाने से। तो इसे क्या कहते हैं भैया? इस बॉडी की इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। जो बॉडी जितनी ज्यादा इलास्टिक होती है वो उतनी जल्दी और उतनी अच्छी तरीके से अपने आप को क्या करती है भैया? रीगेन कर लेती है, ठीक है भैया। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी भी क्या है भैया? सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है भैया। अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता हूँ, ठीक है भैया, और डिफॉर्म करता हूँ, तो उस फोर्स की वजह से कई बार ऐसा होता है कि बॉडी अपने आप को रिगेन नहीं कर पाती, ठीक है भैया। तो इसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। जो इलास्टिक बॉडी होती है उसकी प्लास्टिसिटी बहुत कम होती है, जो प्लास्टिक बॉडी होती है उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है भैया? बहुत कम होती है। इलास्टिक बॉडी की प्लास्टिसिटी कम होती है और प्लास्टिक बॉडी की इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, ठीक है भैया, ध्यान रखना, ठीक है भैया। अगला बोलते हैं, हाँ देखिए, अच्छा इलास्टिक बता दिए भैया आपको। इलास्टिक बिहेवियर का रीजन क्या है? सबसे मेन रीजन क्या है भैया? कि जब हम फोर्स लगाते हैं, याद रखिए भैया, ये मीन पोजीशन है, याद है, ये क्या है भैया? मीन पोजीशन। इस केस में एनर्जी क्या होती है भैया? मिनिमम होती है। क्या होती है भैया? मिनिमम होती है, ठीक है। तो जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं, जैसे हम फोर्स लगाते हैं, इधर ये इधर डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, खींच रहा हूं मैं, तो क्या होता है भैया? ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भैया? बढ़ने लगती है। नीचे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भैया? नेगेटिव है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट, ठीक है भैया। लेकिन जैसे हम खींचते हैं इसको, तो क्या होता है? ग्राफ ऊपर जाने लगता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भैया? बढ़ गई तो अनस्टेबिलिटी क्या होगी भैया? कम होगी। अपने आप को स्टेबल करने के लिए फिर दोबारा से क्या होगा? इसी स्टेट पे आ जाएगा। ऐसी अगर आप पिचकाते हो किसी बॉडी को, तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन कम करने पर भी क्या होता है भैया? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो अपने आप को रिस्टोर करने के लिए फिर दोबारा से क्या होता है भैया? वापसी आती है। तो इसी वजह से इलास्टिसिटी आती है, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इलास्टिक लिमिट क्या होता है भैया? कहीं ऐसी एक ऐसा पॉइंट जहां पर अगर आप फोर्स लगाओ, लगाते जाओ बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते जाओ, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर बॉडी अपने आप को रिगेन करना बंद कर देती है, उसी लिमिट को हम क्या कहते हैं भैया? इलास्टिक लिमिट कहते हैं। हर बॉडी की इलास्टिक लिमिट क्या होती है भैया? अलग अलग होती है, डिफरेंट बॉडी की इलास्टिक लिमिट डिफरेंट होगी, ठीक है भैया। जो ज्यादा इलास्टिक बॉडी होती है उसकी इलास्टिक लिमिट भी क्या होगी? बहुत दूर होगी, वो अपने आप को बहुत ज्यादा डिफॉर्म करने के बाद रीगेन कर लेती है। लेकिन जो बॉडी कम इलास्टिक होगी तो उसकी इलास्टिक लिमिट भी क्या होगी भैया? कम होगी। वो थोड़ी दूर पर ही क्या होती है? अपना इलास्टिसिटी खो देती है, मतलब अपने आप को रीगेन नहीं कर पाती है। प्लास्टिक बॉडी बता दिया होगा। स्ट्रेस क्या होता है भैया? स्ट्रेस होता है भैया, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, जितने ज्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया रहेगा उसमें लगने वाला स्ट्रेस भी क्या होगा भैया? उतना ही ज्यादा रहेगा। फोर्स पर यूनिट एरिया जितना कम रहेगा उतना ही स्ट्रेस क्या होगा भैया? कम रहेगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है, ये होता है। हाँ, अगला बोलो। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस वगैरह ये कुछ भी नहीं, आगे बढ़ो, ठीक है। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है भैया? रिलेटिव चेंज। क्या होता है भैया? रिलेटिव चेंज, चेंज अपॉन में ओरिजिनल, चेंज अपॉन में ओरिजिनल इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब चाहिए लेंथ में चेंज, अगर लेंथ में चेंज अपॉन में ओरिजिनल लेंथ कर रहे हो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया,
एरिया में चेंज अपॉन में ओरिजिनल एरिया कर रहे हो तो भैया क्या हुआ, एरियल स्ट्रेन हो गया। वॉल्यूम में चेंज अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम कर रहे हो तो वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन हो गया। ठीक है भैया, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन बहुत सारे हैं। बोल रहे हैं हुक्स लॉ, हुक्स लॉ कहता है भैया, हुक्स लॉ कहता है यानी भैया हुक्स लॉ कहता है, मैंने प्रॉपर का रखा उसमें नहीं कर रखा पूरा। हुक्स लॉ कहता है, अभी जो हुक्स लॉ कहता है कि भैया अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो, किसी बॉडी के अंदर अगर फोर्स लगा रहे हो तो उसके अंदर क्या होगा, एक्सटेंशन होगा या कंप्रेशन होगा। कह रहा है वो एक्सटेंशन कंप्रेशन आपके द्वारा लगाया गया फोर्स के डायरेक्टली होता है। ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स या जितना ज्यादा लोड आप अप्लाई करोगे उसके ऊपर तो उतने ज्यादा उसके अंदर एक्सटेंशन या कंप्रेशन आएगा। यही है क्या भैया, हुक्स लॉ। ठीक है भैया, अब इन्होंने यंग ने इसको रिप्लेस किया, लोड की जगह पे इन्होंने स्ट्रेन यूज किया, और लोड की जगह पे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे कैसे होता है, अच्छा ठीक है, स्ट्रेन इज डायरेक्टली इक्वल टू स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेन को इक्वेट करके एक इन्होंने 1/E कर दिया। ठीक है, कॉन्स्टेंट लगाया था, इस कॉन्स्टेंट को हमने क्या किया भैया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कह सकते, इलास्टिसिटी बोल दो, रिजिडिटी एक ही बात है। ठीक है भैया, नाम से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ई क्वेश्चन में क्या होता, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन आया था, यानी जिस बॉडी के अंदर स्ट्रेन ज्यादा आता है उसकी इलास्टिसिटी क्या होती भैया, कम होती है। जिस बॉडी के अंदर स्ट्रेन कम आएगा उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। ठीक है भैया, उसके बाद यहाँ पर एक और बात बोली गई है, क्या भैया, स्ट्रेस, जिस बॉडी के अंदर स्ट्रेस ज्यादा आएगा उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी भैया, स्ट्रेस, स्ट्रेस कब तक आता है पता आपको, जब तक बॉडी खुद को रिगेन कर सकती है। स्ट्रेस आता ही इसलिए है कि बॉडी रिगेन करे खुद को, अगर जिस बॉडी के अंदर स्ट्रेस नहीं आएगा तो बॉडी सही इलास्टिक नहीं है। अब देखो भैया, एक स्टील रॉड को मोड़ो यू करके, तो उसके अंदर जो आपके अगेंस्ट फोर्स लगेगा उसे हम क्या कहते हैं भैया, स्ट्रेस कहते हैं। तो काफी देर तक लगा सकती हो फोर्स कि ऐसा अपने आपको सीधा कर ले, है ना, तो स्ट्रेस आता ही क्या भैया, अपने आपको रीगेन करने के लिए, यानी जो इलास्टिक बॉडी होगी उसी के अंदर क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। गोबर के अंदर स्ट्रेस नहीं आ सकता, गोबर के अंदर स्ट्रेस आ सकता है क्या, ऐसा करो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, पुट्टी के अंदर आ सकता है, पीली वाली पुट्टी के अंदर आ सकता है। ठीक है भैया, जैसे रखोगे वैसे हो जाएंगे, ऐसे करो ऐसे, ऐसे करो ऐसे, तुरंत अपनी शेप उसी हिसाब, क्योंकि स्ट्रेस ही नहीं आता ना इसके अंदर, जिसके अंदर स्ट्रेस नहीं वो अपने आप को रिगेन नहीं कर सकता। ठीक है भैया, स्ट्रेस आता ही रिगेन करने के लिए, नहीं होगा स्ट्रेस तो रिगेन नहीं होगी, समझ गए भैया। चलो भैया, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस क्या भैया, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस, लॉन्गिट नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है भैया, कुछ नहीं है, कंसेप्ट वही सारे पुराने हैं, यहाँ पर बस इतना बोल दिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में आप लेंथ को बढ़ाते हो या घटाते हो, लेंथ चेंज करते हो, यानी जो स्ट्रेन आएगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रहेगा। बढ़ाओगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, घटाओगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा भैया, नेगेटिव रहेगा। फोर्स अपॉन में एरिया अपॉन में चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ठीक है भैया, यंग मॉडुलस इस बॉडी का जितना ज्यादा होता है उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही ज्यादा होती है, बता रखा है आपको भैया। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें कि विच वन इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील। तो भैया हमने क्या किया भैया, हमने देखा कि स्ट्रेस के साथ एक और चीज लगी है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यंग मॉडुलस, और जिसका यंग मॉडुलस कम होगा उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी, कम होगी। अब हमने क्या किया, स्टील की रॉड ली और स्टील की रोड ली। ठीक है भैया, हमने स्टील की रोड ली, हमने और रबर की रोड ली, दोनों पे फोर्स लगाया, आप देखोगे ज्यादा स्ट्रेन किसके अंदर आएगा, रबर के अंदर आएगा, ज्यादा फैल जाएगी वो स्ट्रेन, जिसके अंदर ज्यादा यंग मॉडल उसका कम, उसकी इलास्टिसिटी उसकी इनवर्सली, जिसका यंग मॉडल कम उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी भैया, कम। देखिए रबर को आप खींचोगे तो ज्यादा खींच जाएगी, यानी स्ट्रेन उसके अंदर क्या आ गया, ज्यादा आ गया, स्ट्रेन ज्यादा आ गया मतलब ज्यादा, देखिए स्ट्रेन ज्यादा आएगा कब, जो ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई नहीं कर सकता उसी के अंदर स्ट्रेन ज्यादा आता है। ठीक है, जो कम स्ट्रेस अप्लाई करता है, यानी वो फैलता जा रहा है फोर्स लगाने पे, वो स्ट्रेस ही कम अप्लाई कर पा रहा है। मैंने क्या बोला, स्ट्रेस आता क्यों है, बॉडी को रीगेन कराने के लिए। अब जो बॉडी हल्की कमजोर होगी, अब मैं देखिए मेरे को कोई फोर्स लगाएगा, ये चार हाथ इधर बांध दो, चार हाथ इधर बांध दो, स्ट्रेस पूरा आएगा। ठीक है, सुअर की बारी में दो कुत्ते इधर बांध दो, दो कुत्ते इधर बांध दो, स्ट्रेस आ ही सकता, फैल जाएगा ये पूरे करके, क्यों लगाएगा स्ट्रेस, समझ गए भाई, स्ट्रेस वही बॉडी लगाती है जिसके अंदर स्ट्रेन क्या आता है, कम आता है, समझ गए भैया। तो रबर फैल जाती है, स्ट्रेस कम आ रहा है, दोनों ही फैक्टर इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, इसकी इलास्टिसिटी के अगेंस्ट में जा रहे हैं।
ठीक है भैया, तो इलास्टिसिटी क्या होगी भैया, कम होगी इसकी, ठीक है भैया। और अगर मैं बात करूँ स्टील की, तो स्टील को मोड़ते जाओ फिर भी वो पूरा जोर लगाएगा अपने आप को रिगेन करने के लिए, यानी उसके अंदर स्ट्रेन कम आएगा, स्ट्रेस ज्यादा आएगा, इलास्टिसिटी क्या उसकी ज्यादा। लिखवा रखा क्वेश्चन, करा रखा है। फिर बल्क मॉडुलस आ गया। अच्छा हाँ, यंग मॉडुलस जो होता है वो केवल सॉलिड के लिए अप्लाइड होता है, लिक्विड वगैरह के लिए, गैस के लिए नहीं है। फिर बल्क मॉडुलस की बात करते हैं, बल्क मॉडुलस तीनों के ऊपर अप्लाई है, लिक्विड सॉलिड गैस, क्योंकि तीनों के ही वॉल्यूम को आप फोर्स लगाकर चेंज कर सकते हो। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम होती है सॉलिड के लिए, मिनिमम होती है गैस के लिए, ठीक है भैया। बता रखा है, देख लेना, उसमें कंप्रेसिबिलिटी भी आता है, कंप्रेसिबिलिटी उसकी ज्यादा होती है जिसका बल्क मॉडुलस क्या होता है, कम होता है। सॉलिड का बल्क मॉडुलस क्या होता है, ज्यादा होता है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। गैस का बल्क मॉडुलस कम होता है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। क्या रखा है सब कुछ, ठीक है भैया। आगे बढ़ते भैया, शेयरिंग मॉडुलस, ठीक है भैया। शेयरिंग मॉडुलस भी बिल्कुल यंग मॉडुलस जैसा है, बस उसमें केवल एंगल के हिसाब से करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं, साइड कुछ एंगल से शिफ्ट करती है, ठीक है भैया। तो जितनी शिफ्ट हुई है अपॉन में ओरिजिनल जितनी उसकी लेंथ थी, उसी का रेशियो जो देगा आपको शेयरिंग स्ट्रेन देगा, शेयरिंग स्ट्रेन देगा, ठीक है भैया। और उसके बाद फिर आगे कराता फिर इस चैप्टर में जो सबसे मेन टॉपिक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। क्या है भैया? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को एकदम ध्यान से एकदम नोट कर लेना, ठीक है। मैं जल्दी से बना रहे हैं, मार्कर क्यों नहीं चल रहा यार ये? नहीं यार, पता नहीं क्या हो गया, मुझे लग रहा है किसी बच्चे ने जानबूझ के मेरी गैर मौजूदगी में इसको खोल के रखा था यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके यूं करके मार्कर आप अपने साथ ले जाते हैं। प्रवेश था, तू गया बेटा। अब इंक डाल के पूरी फूलेंगे, ठीक है। देखिए भैया, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व करते हैं भैया। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आपका जो स्ट्रेस था स्ट्रेन के डायरेक्टली था, विद इन इलास्टिक सीधा जाता जाएगा, स्ट्रेन बढ़ाते जाओ, स्ट्रेस बढ़ाते जाओ, स्ट्रेन बढ़ता जाएगा ई पॉइंट तक। क्या था भैया? इलास्टिक। मैंने आपको एक चीज बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि दी स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिव्स अस द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस इलास्टिसिटी, ई की वैल्यू देगा, जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एकदम सीधा। भैया इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पहले बता दे रहा हूँ, देखिए भैया, चलो बनाई देता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तीन चार ग्राफ बना रहा हूँ, चुप हो जा। स्ट्रेस स्ट्रेन सीधा गया, यानी यहाँ पे इलास्टिसिटी फॉलो हो रही है, इलास्टिक लिमिट आ गई, याद है, फोर्स लगाते जाओ ऊपर उठेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, नीचे होगा, ये ब्रेकिंग पॉइंट है, ठीक है भैया। अब देखिए, पढ़ लेना उसके बारे में, ठीक है भैया। इसका स्लोप जो देता है, याद है आपको भैया, स्लोप क्या देता है भैया, इलास्टिसिटी, क्या देता है भैया, स्लोप जिसका जितना आता है इलास्टिसिटी उतनी कम। ग्राफ इसमें जो क्वेश्चन आता है उसके ऊपर ग्राफ बना रहा हूं भैया, देखिए ए, ठीक है भैया, आप इस ग्राफ के बारे में क्या कहोगे, ठीक है भैया। ऊपर वाला स्ट्रेस है, वाई कोऑर्डिनेट स्ट्रेस है, और एक्स कोऑर्डिनेट आपका स्ट्रेन है, देखिए भैया। इस ग्राफ के बारे में क्या बोलना चाहोगे, इसकी इलास्टिसिटी क्या भैया, ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा, इलास्टिसिटी ज्यादा, लेकिन इसकी जो डक्टिलिटी है बहुत कम है, ब्रेकिंग पॉइंट वेरी क्लोज टू इलास्टिक लिमिट, बहुत पास में है, ये जल्दी टूट जाएगा, ये क्या होगा भैया, जल्दी टूट जाएगा, किस तरह, ये देखो भैया, ये कम इलास्टिक है लेकिन ये जल्दी टूट नहीं रहा, इसका जो इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट है उसके बीच में सेपरेशन क्या भैया, बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा मजबूत मटेरियल है, समझ गया, लेकिन ये ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है भैया। अब इसमें देखिए भैया, इसमें इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी भैया, तो ये क्या है, स्ट्रेस, ये क्या है भैया, स्ट्रेन। तो ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या हो गया, 15, और बेस क्या हो गया, 10। आपको पता है tan थीटा निकाल दो, tan क्या होता है, स्लोप, क्या होता है भैया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप जो होता है देता है वो क्या देता है, इलास्टिसिटी, 15/10 क्या होगा भैया, 1.5 इलास्टिसिटी आ रही इसकी। क्या रहा थी, क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर और ज्यादा हार्ड वार्ड आने वाले हैं, ठीक है भैया। अगला बोलो भैया, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, देखिए भैया, किसी भी चीज को अगर आप फोर्स लगाते हो तो वो डिफॉर्म हो जाती है, डिफॉर्म होने के बाद खुद को रिफॉर्म करती है। बेटा प्लीज याद, देखो कल से एक लड़का बोल रहा था, इसी दीवार में चुनवा दिया मैंने उसको, चुनवा दिया, ठीक है, उसकी आत्मा आज भी घूमती, कल देखी थी तूने, ठीक है। तो अगर हम फोर्स लगा के उसको छोड़ते हैं तो दोबारा से अपने आप को करती है, रीगेन करती है, इस दौरान जो टाइम लगा, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। इलास्टिक फटिक, फटिक क्या होता है भैया, कि जैसे मैं बार बार
चलो भैया देखो क्या होता है भैया, देखिए किसी भी इलास्टिक बॉडी को बार बार इस्तेमाल करने पर क्या होता है, खराब हो जाती है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उसके अंदर क्या होता है भैया मतलब डिफॉर्मेशन आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं भैया परमानेंट परमानेंट सेट आ जाता है, ठीक है भैया, तो इसे इलास्टिक फैटिक कहते हैं, फटिक कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, हंस रहा है, मैं समझ रहा हूँ क्या क्या हंस रहा है, लग रहा है ठीक है भैया, ओए इलास्टोमर, देखिए भैया आर्टरीज वेन्स रबड़ पबड़ जो होती है इलास्टोमर की कैटेगरी में आती है, ठीक है भैया, इसका ये किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करती, इनका ग्राफ जो स्ट्रेस स्ट्रेन करवाता है एकदम क्या होता है पैराबोलिक होता है, इसका जो इलास्टिक लिमिट होता है ब्रेकिंग पॉइंट होता है बहुत क्लोज होते हैं, एकदम चिपके होते हैं, रबड़ को खींचते जाओ छोड़ोगे वापस आ जाएगा, खींचते जाओ छोड़ोगे वापस आएगा, लेकिन थोड़ा और खींचोगे टूट जाएगा, मतलब इसकी इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट क्या भैया बहुत पास पास में है, एकदम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, समझ गया क्या कर रहा है, हाथ पकड़ा ठीक है, डक्टाइल मटेरियल, अनपढ़ है क्या, तेरे मुंह पे घुसंडे घुसंडे मार दूं क्या, अभी बताया यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एप्लीकेशन पे आते भैया ध्यान दीजिए भैया, क्या भैया बोल, एनी मेटेलिक पार्ट मशीनरी जो होती है भैया, बुलेट बुलेट पे लिखा हुआ है कि भैया इससे ज्यादा अगर आप जोर डाल दोगे तो क्या होगा भैया, उसके सोकर खराब हो जाएंगे, है ना, सोकर किसी की भी गाड़ी के सोकर खराब हो जाएंगे, सोकर पे लिखा होता है लिमिट लिखी होती है, ठीक है भैया, उसके बियॉन्ड अगर आपने उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर दिया तो क्या हो भैया उसका मामला खराब हो जाएगा, ये पहली है, मशीनरी के पार्ट्स उसके ऊपर लगने वाले स्ट्रेस के हिसाब से बनाए जाते हैं, ठीक है भैया, चलो अब जैसे एग्जांपल क्रेन की केबल, क्रेन की केबल जो होती है अलग अलग लोड लगाने के लिए अलग अलग थिक की होती है, थिकनेस की होती है, हल्का लोड अप्लाई करना हो तो भैया थिकनेस कम इस्तेमाल करो, हैवी लोड अप्लाई करना हो तो थिकनेस ज्यादा इस्तेमाल करो, ठीक है भैया, उसके बाद फिर मैंने बताया था भैया क्या हाइट ऑफ माउंटेन, एच रो जी इक्वल्स टू में माउंटेन की हाइट क्या होती है भैया निकालिए हमें, ठीक है भैया कि कितना हाइट का माउंटेन एग्जिस्ट कर सकता है, तो भैया इसके लिए हमें हमें अर्थ की जो स्ट्रेस पता है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, सहने की क्षमता जो होती है स्ट्रेंथ जो पता है वो होती है 3×10⁸ N/m², मतलब 1 m² इतना मैक्सिमम स्ट्रेस सह सकता है, ठीक है भैया इतना मैक्सिमम स्ट्रेस सह सकता है, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स प्रेशर अपॉन में, सॉरी प्रेशर ही तो होता है, ये इतना प्रेशर, स्ट्रेस और प्रेशर तो दोनों सेम ही होते हैं, इसको लिख दीजिए एच रो जी, हाइट निकालिए माउंटेन की, ठीक भैया डेंसिटी क्या होती है पत्थरों की 3×10³ kg/m³, और जी की वैल्यू पता ही है, सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आएगा 10 km के आसपास का आंसर, 10 km आएगा, ठीक है भैया 10 km, वो मैंने ऐसे लिखवा दी 10 km, अब माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है, माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है, पता है आपको हर साल 1-1 cm कुछ बढ़ जाता है, पता क्यों, क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेट है ना चाइना की और जो अर्थ की है, अर्थ वाली टेक्टोनिक प्लेट क्या, और ये इसके अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, जब ये अंदर की तरफ जाता है जैसे देखो देखो माउंटेन कैसे बनता है, देखिए भैया देखिए घुसंडी दूंगा खींच के, ठीक है देखिए भैया देखिए ऐसे माउंटेन की हाइट बढ़ती है, ये चाइना की टेक्टोनिक प्लेट है, ठीक है ये अर्थ की है, जब ये वाला पार्ट इसके अंदर जाएगा तो इसकी हाइट क्या होगी अपने आप उठती आएगी, ठीक है ऐसा बिल्कुल ऐसा बनता है, चाइना आसमान में अगर मैंने घुसंडी मार दिया ना तो मेरे घर एग्जिस्ट नहीं करोगे तुम लोग, ये तूने बंद किया था ना साढ़े सुअर, सॉरी बॉयज सुअर नहीं बोलता मैं ऑनलाइन क्लास में, ठीक है भैया, तो भैया अदगी भैया इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वो एप्लीकेशन है जिसे हम कहते हैं भैया बकलिंग वगैरह, ब्रिज पुल वगैरह जो बनाए जाते हैं, तो मैंने बताया था भैया जो पुल वगैरह बनाए जाते हैं उसमें एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन, क्या कहते हैं भैया डिप्रेशन, तो डिप्रेशन का मैंने फॉर्मूला आपको लंबा सा फॉर्मूला लिखवाया था भैया डिप्रेशन, ठीक है भैया, तो डेल्टा से लिखा था, ठीक है भैया डिप्रेशन लेंथ के क्यूब के डायरेक्टली होती है, ठीक है भैया, और लेंथ के क्यूब के डायरेक्टली होती है, वेट के डायरेक्टली होती है, ठीक है भैया, और यहाँ पर जो इनवर्सली था वो डेप्थ के पिलर की डेप्थ के इनवर्सली था, है ना क्यूब के, और विड्थ के भी इनवर्सली था,
भैया कंबाइन करके फॉर्मूला बना था, ठीक है भैया कंबाइन करके फॉर्म, तो हमने देखा भैया डेप्थ बढ़ाने से डिप्रेशन यानी झुकाव जो होता है पिलर के अंदर क्या होता है, कम हो जाता है। हम डेप्थ ही ज्यादा बढ़ाते, ज्यादा डेप्थ बढ़ा दोगे तो क्या होगा, एक और फैक्टर आ जाएगा खतरनाक वाला, जिसे हम क्या कहते हैं भैया बकलिंग, क्या कहते हैं भैया एक्स्ट्रा। देखिए डेप्थ बढ़ाने से डिप्रेशन कम होता है, ये सबको पता है, इसी चीज का एडवांटेज लेने के लिए हमने क्या किया डेप्थ ज्यादा बढ़ा दिया। डेप्थ ज्यादा बढ़ा दोगे तो क्या हो भैया, उसमें एक और फैक्टर आता है जो क्या कहते हैं भैया बकलिंग, कहते हैं भैया बकलिंग, पूरे पिलर को क्या करता है भैया गार्टर देख रखा है ना भैया, गार्टर में होगा, ठीक है भैया। तो आई होप आप लोग इस चैप्टर को भी अपने आप से कंप्लीट कर लो, क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पहले भी करवा रखे हैं, आप लोग कर लेना, जो दिक्कत होगी पूछ लेना, ठीक है भैया। तो मैं सो चुप हो जा, पहले चुप हो जा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे दोनों चैप्टर के टेस्ट एक साथ लेने चाहिए, सॉलिड और लिक्विड। भाई मेरी बात सुनो, इसमें क्योंकि सॉलिड फिर मैं ले ही नहीं पाऊंगा टेस्ट, आप समझ नहीं रहे, टाइम ही नहीं बचेगा ना। तो सॉलिड और देखिए मैं कुछ नहीं, सॉलिड में एक बार कुछ नहीं करना भैया, एक बार जाके आप अपने नोटबुक पर फिर बोल लो, यही बजाऊंगा लाती लातर में, ठीक है। आप जाके एक बार अपनी नोटबुक को देख लेना, अपनी नोटबुक को देख लेना, क्वेश्चंस जो लिखवा रखे हैं वही कर लेना, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं आएगा, पूरी नोटबुक से आपका पूरा पेपर एज इट इज आएगा, ठीक है भैया। फर्स्ट आने का बहुत सुनहरा चांस है, क्लास में सब हो सकता है, पूरे में से पूरे नंबर ले आओ, ठीक है भैया। तो भैया संडे को टेस्ट होगा, आई होप आप लोग तैयारी करोगे दिल से, मिलते हैं, ओके कड़ा बाबा, जय हिंद, जय भारत। भैया आज ना हमारे सेक्रेटरी क्या बोला, तुम कुत्ता जा तो